मैं हूँ अशोक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैजिकल केमिस्ट्री में फ्रेंड्स आज के लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं सरफेस केमिस्ट्री जो कि आज इसका दूसरा लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ सरफेस केमिस्ट्री के बेसिक फिनमिला उनको डिस्कस कर लिया था और जैसे एड्स ऑप्शन एब्ज ऑप्शन जप्शन और मैंने जहां पर आपको छोड़ा था फर्स्ट लेक्चर में वो था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एड्स और उसके इफेक्ट तो आज यहां से आगे हम प्रोसीड करेंगे आज का लेक्चर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी क्योंकि यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन बन चुके हैं और यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन बन चुके हैं तो काफी उम्मीद है आपसे कि आप इसको केयरफुली सुनेंगे क्योंकि काफी इजी ढंग से मैंने इसको समझाया है तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को लेकर फ्रेंड्स क्योंकि इस चैप्टर में हमको केवल सरफेस से जुड़ी बातें पढ़नी है तो हम एड्स ऑप्शन को लेकर चलेंगे किसको लेकर एड्स ऑप्शन को लेकर चलेंगे तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि टाइप्स ऑफ एड्स ऑप्शन जो एड्जॉप होता है वो कितने तरीके से हो सकता है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्स ऑप्शन एडजॉप दो तरीके से होता है एक होता है फिजिकल एड्स ऑप्शन जिसको हम फिजीज ऑप्शन भी कहते हैं और एक होता है केमिकल एड्स ऑप्शन जिसको हम केमीज ऑप्शन भी कहते हैं अब क्या कंडीशन होती है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है और क्या कंडीशन होती है कि केमिकल एडजॉर्पन होता है इसको मैंने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा बोर्ड के लिए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्सन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन और कंपटीशन के लिए जो क्वेश्चन बने हैं इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन बन चुके हैं तो शुरू करता हूँ मैं इसके डिफ्रेंशिएशन को लेकर डिफरेंस करते हैं यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्पन क्या होता है

उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट की तरफ आइएगा जिसको मैंने लिखा है किस तरीके से कि मॉलिक्यूल्स हेल्ड टू द सरफेस बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहां पे क्या है वही बात मॉलिक्यूल हेल्ड टू द सरफेस बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मतलब फिजिकल एड्जॉर्पन मॉलिक्यूल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहते हैं और केमिकल एड्जॉर्पन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहते हैं एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल दूसरा आता है डिफरेंस में क्योंकि फिजिकल वीक फोर्स वाले मोलिक्यूल्स हो करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई गैस एड्जॉर्ब हो रही है सरफेस पे तो आपको पता है गैसों को लिक्विफाई भी कर सकते हैं प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर घटा के तो कुछ गैसें होती हैं जो बहुत आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं और कुछ गैसें होती हैं जो आसानी से लिक्विड में चेंज नहीं होती हैं सो द इजीली लिक्विफेबल गैसेज सो फिजीज ऑप्शन जो गैसें आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं लिक्विड में चेंज हो जाती हैं वो जनरली क्या शो करती हैं फिजिकल शो करती है और नो रिलेशन विद द क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है हाँ बल्कि जो जो गैस क्या होती है बॉन्ड बना लेती हैं वो गैस क्या सो करती हैं केमिकल एड्सॉर्पन यहाँ पे एक टर्म फ्रेंड्स आपके लिए आया है क्रिटिकल टेम्परेचर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर जैसा मैंने बताया कि गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर घटाना पड़ेगा तो मान लीजिए किसी गैस का टेम्परेचर कितना है गैस ए का टेम्परेचर सेवेंटी डिग्री सेल्सियस है और गैस बी का टेम्परेचर कितना है सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस है अगर हमको दोनों को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर घटाना शुरू कर दीजिए मान लीजिए गैस ए पचास डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड में चेंज हो जाता है और गैस बी तीस डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में चेंज हो जाता है तो यहाँ पे क्लियर है कि गैस ए जल्दी लिक्विफाई हो गया और वो टेम्परेचर जहां पे कोई गैस पहली बार लिक्विड में अपियर होती है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर तो जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उनका लिक्विफिकेशन भी क्या होता है आसानी से होता है और वो क्या शो करेंगी फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करेंगी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं उस तरीके का है थर्ड आता है हीट ऑफ एड्सॉर्पन इज लो ट्वेंटी टू फोर्टी किलोजुल पर मोल फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एडजॉप्शन एक जो थर्मिक प्रोसेज है यानी जब भी एडजॉप्शन होगा चाहे फिजिकल एडजॉप्शन चाहे केमिकल एडजॉप्शन दोनों के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होनी है हाँ बट जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग रहेगा वहाँ पे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी

मोल अगले डिफरेंस पे आते हैं रिक्वायर्ड लो एक्टिवेशन एनर्जी फ्रेंड्स एक बात आपको बताता हूं किसी भी रिएक्शन होने के लिए किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी चूंकि यहां पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं अटैच रहते हैं तो इनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत ज्यादा एक्साइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से देते हैं मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी सो दे रिक्वायर्ड लो एक्टिवेशन एनर्जी बट यहाँ पे मॉलिक्यूल चूंकि एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे काफी एक्टिव होने की जरूरत होती है सो दे रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी अगला फ्रेंड्स अब जब एड्जॉर्ब हो गया तो मॉलिक्यूल एड्जॉर्बमेंट की सरफेस पे जब चिपके हैं तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा तो वहां से क्या हो जाते हैं डी भी हो सकते हैं निकल भी सकते हैं सो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है वहां पे सो so वो रिवर्सिबल होता है मॉलिक्यूल एक बार क्या होता है सरफेस में चिपकता है फिर वहां से छोड़ता है चिपकता है फिर छोड़ता है और ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसको क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन हाँ बट एक केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है इर होता है क्योंकि एक बार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगली बन गया उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया तो टूटने वाला नहीं है अगले डिफरेंस की तरफ आते हैं फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा इट डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर जनरली जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑबियस बात है फिर से उसकी करंटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सरफेस को छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो जो फिजिकल एड्जॉर्पन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटता है बट जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पहले क्या होता है बढ़ता है बॉन्ड बनता है फिर अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है मॉलिक्यूल फिर से डी अटैच यानी डिजॉर्व होना शुरू हो जाते हैं डी एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं सो इट फर्स्ट देन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर मीन केमिकल पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है फिर क्या होता है अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो घटना शुरू हो जाता है मॉल की फिर से वहां से डी अटैच होना यानी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है आगे आता है इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि मोलिक्यूल ए मॉलक्यूल बी के सरफेस पे ही जाके एड्जॉर्व होगा मॉलिक्यूल ए कहीं पे भी जाके एबजॉर्व हो सकता है उसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक बट यहाँ पे तो क्लियर है कि मोलिक्यूल ए मॉलक्यूल बी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा मतलब जिन लोगों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना है निश्चित वही क्या हो जाएंगे केमिकल एब्जॉर्पन शो करेंगे मतलब कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर आगे आते हैं इट फॉर्म्स मल्टी मोलिक्यूलर और मल्टी लेयर एडजॉस्टमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार फिजिकल ने मोलिकल सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिए तो उनके ऊपर दूसरी लेयर भी बननी पॉसिबल है तीसरी लेयर भी बननी पॉसिबल है यानी ये मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन है बट यहां पे क्या हो जाता है क्योंकि वैकेंसी एक बार हो जाती है वैलेंसी फुलफिल हो जाती है बॉन्ड बन जाता है तो फिर से कोई भी वैकेंट वैलेंसी नहीं रह जाती है बॉन्ड बनाने के लिए तो केवल एक बार ही लेयर उस पर डिपॉजिट हो पाती है मीनस केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है यूनि मोलिकुलर होता है या फिर यूनि लेयर होता है मीन्स इट फॉर्म्स यूनि यूनिमोलिकुलर और यूनि लेयर एडजॉर्प्शन आगे आता फ्रेंड चूंकि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ज्यादा ज्यादा एड्जॉर्बेट के मॉल की सिमिलरिटी इसमें है कि इट इज द इट इज इंक्रीजे विथ इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया और चूंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन है तो दोनों एड्जॉर्प्शन तो चाहे फिजिकल एडजॉर्पन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही क्या होता है सर्फेस एरिया बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ एड्जॉर्पन भी क्या होता है बढ़ता चला जाता है और आगे है फ्रेंड्स यहाँ पे हाई प्रेशर फेवरेबल एक चीज तो क्लियर है कि प्रेशर बाहर से जितना लगाएंगे गैस के ज्यादा तेजी से वहां पे एड्ब होंगे तो इट इज हाई प्रेशर फेवरेबल लो प्रेशर कॉज इज कॉजिंग डिजॉर्पन फिजिकल एड्जॉर्पन में अगर प्रेशर ज्यादा है तब तो मॉलिक्यूल काफी तेजी से एडजॉर्ब होंगे बट प्रेशर जैसे ही गैस का कम करेंगे आप फिर से मॉलिक्यूल डी एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे डिजॉर्प्शन शो करने लगेंगे अब यहाँ पे आ गए फ्रेंड्स हाई प्रेशर फेवरेबल बट लो प्रेशर डज नॉट कॉज इट डिजॉर्प यहाँ पे जो केमिकल एडजॉर्पन है वो भी हाई प्रेशर फेवरेबल ही है हाई प्रेशर पे ही होता है बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि आप अगर प्रेशर घटा देंगे तो वहां पे एड्जॉर्पन फिर से कम हो जाना है या फिर मॉलिक्यूल डीअैच होना शुरू हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहां पे एक बार बॉन्ड बन चुका है अब आते हैं इस डिफरेंस के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बात मैंने में ही कर ली थी। एक से तो प्रेशर और टेम्परेचर वेरी होने के साथ साथ चेंज होता है बट पहले पढ़ेंगे एड्स ऑप्शन आइसोथर्म आम्स का मतलब होता है आइसो मीन्स क्या होता है सेम और मीन्स क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर ले सकते है आइसोथर्मिक कंडीशन वो एक कंडीशन होती है जहां पे टेम्परेचर हम कांस्टेंट करके रखते हैं सो so, आइसोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस आप सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो नो डाउट ये जो एडजॉप्शन हम देखेंगे इस एडजॉप्शन में टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट बना रहेगा तो क्या वेरी होगा प्रेशर यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स इट शोज हाउ द रेट ऑफ एडजॉप्शन चेंजेज विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एड्जॉर्म आइसोथम ये बताता है कि एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वेरी करने के साथ साथ किस तरीके से रेट ऑफ एड्पन बदलता है तो एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ एड्जॉर्पन बढ़ना चाहिए इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनको कहते हैं फ्रेंडिलिज और यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिया था जिसको कहते हैं फ्रेंडिलिक एडजॉर्पन आइसोथर्म इनके हिसाब से क्या था इनका यह कहना था कि एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो रेट ऑफ है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्शन बढ़ेगा प्रेशर घटाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्पन क्या हो जाएगा घटना शुरू हो जाना है सो so, इसको पढ़िएगा एक बार अकॉर्डिंग टू एट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब एक्स बाई यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट एम रिलेटेड विद प्रेशर पी एस फॉलो इनके हिसाब से अगर एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब एंड एम क्या है आपका मास ऑफ द गैस जो एडजॉर्बेंट के सर्फेस पे एडजॉर्बेंट का मास है मान लीजिए मीन्स एक्स क्या है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रही है और एम क्या है मास ऑफ द एडजॉर्बेंट यानी कि टोटल क्या शो कर रहा है रेट ऑफ एड्जॉर्ब शो कर रहा है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रेशर की पावर वन बाई एन यहाँ पे क्या इसको भी देखेंगे दैट इज इक्वल टू की पावर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्रेंड्स इसको हम फ्रेंडलिक रिलेशन भी कहते हैं एक्स बाई एम इक्वल टू के पी की पावर वन बाई एन यहाँ पे आगे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एन और के दोनों एक कॉन्स्टेंट है एन एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू जीरो और एक के बीच में लाइज करती है और जनरी एंटीजर होता है और इसकी मोस्ट प्रॉबल वैल्यू जो होती है ये सवाल बन चुका है जीरो पॉइंट वन टू जीरो के बीच में होती है तो फ्रेंडोलिक ने क्या बताया था एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोशनल पी की पावर वन बाई एन तो पी की पावर जो वन बाई एन जो कह रहा है इसका मतलब वन की जो और एन एन की जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है जिसके हिसाब से प्रेशर वेरी करेगा तो यहां पर देखिएगा फॉर लो प्रेशर अगर लो प्रेशर है तब भी ये वैलिड होगा हाई प्रेशर है तब भी ये वैलिड होगा और इंटरमीडिएट प्रेशर तब भी ये वैलिड होगा यानी लो प्रेशर पे भी काम करता है मीडियम प्रेशर पे भी काम कर सकता है और हाई प्रेशर पे भी काम करता है मतलब फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ले लेंगे फ्रेंड्स तो एक्स वाई एम पे है पी यहाँ पे है यानी प्रेशर तो इस तरीके का हमको कुछ एक ग्राफ मिलता है जहां पे हम तीन पोर्शन में इसको डिवाइड किए हैं फर्स्ट पोर्शन आपने देखा कि एक्स बाय इक्वल कितना होता है इन टू पी यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे थोड़ा सा कर् मिलेगा एक्स बाय इक्वल टू के पी की पावर वन बाई एन और यहाँ पे आपने देखेंगे पी की पावर जीरो यानी कि प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस कंडीशन पे आप प्रेशर कितना भी करेंगे एक लिमिटिंग प्रेशर के बाद कोई भी एडजस्टमेंट के रेट में बढ़ना नहीं है तो इसके आगे चलते हैं यहां से अगर फर्स्ट इक्वेशन का मैं लॉग लेता हूं फ्रेंड्स तो क्या होता है अगर तो के प्लस वन बाई एन लॉग पी वहां पे लॉग आप देख सकते हैं लेकिन अगर इसको आप कंसीडर करेंगे तो देखेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है हमारा अगर इसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और लॉक पी को अगर हम एक्स एक्स लेते हैं तो वन बाय क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा और लॉक के हो जाएगा इंटरसेप्ट ये सवाल बन चुका है यहाँ पे कि इसका इंटरसेप्ट क्या होता है स्लोप क्या होता है तो इसको आप केयरफुली देख लीजिएगा अगर मैंने इसको ग्राफ में रखा है तो लॉग एक्स बाई एम लॉक पी दाई और एक्स हो गया और लॉक के क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट और ये इंक्रीजिंग स्लोप है स्लोप टेन थीटाइको वन बाई तो एन तो पूछा है कि इस फॉर्मूले में वन बाई एन क्या इंडिकेट करता है तो स्लोप इंडिकेट करता है है। तो ये था हमारा का थर्म जो, की काफी है। अब आते हैं, जो कहा जाता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर की कंडीशन है मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस अब क्या करेंगे प्रेशर को कॉन्स्टेंट बना के रखेंगे यानी कि जरूर यहाँ पे अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो टेम्परेचर को वेरी करेंगे हम लोग बिल्कुल कैसे देखेंगे इट सोस हाउ द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ये ये बताता है कि किस तरीके से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बदलता है टेम्परेचर बदलने के साथ साथ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट सोज हाउ द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन चेंजेज विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स आइसोबार कहा जाता है और इसमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई और कंडीशन देखने को मिलती है और केमिकल एड्सॉर्प्शन में कुछ और देखने को मिलता है जैसे अगर मेरी डिफरेंस जो मैंने शुरू में बताया था अगर ध्यान देंगे तो एक चीज वहां पे था कि अगर आप क्या कर लेते हैं टेंपरेचर बढ़ाते हैं किसमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो रेट ऑफ एड्जॉर्बन क्या होता है घटता चला जाएगा यानी मॉलिक्यूल जो सरफेस पे एडजॉर्ब हो चुके हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देंगे टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेट ऑफ भी क्या हो जाएगा घटेगा तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि रेट ऑफ को इंडिकेट कर लेता है और टी टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल के नंबर में क्या हो रही है कमी आ रही है यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कॉन्स्टेंट प्रेशर पे रेट ऑफ एडजॉर्पन फिजिकल के केस में क्या होता है घटता चला जाता है है बट एक चीज मैंने ये भी बता दिया था पहले आपको कि इन द केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होगा अगर फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब मॉलिक्यूल वहां से सरफेस को छोड़ना स्टार्ट करेंगे यानी रेट ऑफ फिर से घटना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट आपने देख लिया कि प्रेशर पे अगर हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है घटेगा और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है पहले बढ़ता है फिर क्या होता है घटता है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेड विद टेम्परेचर और एक क्या हो जाएगा फर्स्ट इनक्रीजेज देन डिक्रीजेड विथ टेम्परेचर ये था एड्जॉर्न आइसोबार अब जो नेक्स्ट वाला हमारा कंडीशन हुआ है कि अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को एक साथ चेंज करना स्टार्ट किया तब क्या होगा यहाँ पे देखिएगा इसको आइसोस्टर क्या नाम देते हैं एडजॉर्प्शन आइसोस्टर इसमें ये बताता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को एक साथ वेरी करें एक साथ बढ़ाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ द गैस मॉलक्यूल एड्जॉर्ब हुए हैं या फिर रेट ऑफ एडजॉर्पन किस तरीके से वेरी करता है सो द प्लॉट ऑफ प्रेशर फॉर ऑप्शन इज कॉल्ड एट ज ऑप्शन आइसोस्टर यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी करना है इट वेरी एज फॉलो इस तरीके से चेंज होता है आप देखेंगे एक एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है और एक एक्सिस पे क्या लिया है प्रेशर मैंने दोनों को बढ़ाया है इधर भी इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमको देखने को मिलता है कि बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते चले जाते हैं और रेट ऑफ एड्पन क्या होता है है बढ़ता चला जाता यानी हैचर प्रेशर दोनों अगर आप इक्वली बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मिडिल में पास करेगी ये रेखा यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी कि इक्वल चेंज पे रेट ऑफ एड्जॉर्पन में भी इक्वल चेंज होगा अगर घटाएंगे तो घटेगा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा तो यहां से तीन फॉर्म मैंने आपके सामने क्लियर किया ए था एक था एडज़ॉप्शन आईसो थर्म एक बोर्ड के लिए पूछे गए हैं, और में भी पूछे गए हैं। अब इस पे आता है एड्पन के एप्लीकेशन व्हाट आर देशन ऑफ द एडजॉप ये हमारे बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिशन में भी यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं किस तरीके से ये एड्जॉप हम अप्लाई कर सकते हैं क्या इसकी यूजेज है पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम फ्रेंड्स वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी गैस अवेलेबल नहीं है मीन्स वहां पे गैस को पूरी तरीके से आपने खत्म कर लिया तो कहीं पे अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो वहां पे आप एडजॉपन करा सकते हैं इसके लिए आप करेंगे क्या सपोज करिए आपके पास क्या है दो बल्ब है दो बल्ब हैं और दोनों एक ट्यूब से कनेक्ट हैं एक बल्ब में आपने गैस रखी है और एक बल्ब में आपने चारकोल रख दिया है बीच में एक स्टॉपर लगा दिया आपने और जैसे ही स्टॉपर आप ओपन करेंगे गैस कहाँ पे आ जाएगी इस चारकोल पे आ जाएगी और चारकोल पे आके एडजॉर्ब हो जाएगी और चारकोल पर जैसे ही एडजॉर्ब होगी दूसरे बल्ब में क्या हो जाएगा वैक्यूम यानी कि कोई भी गैस नहीं रह जाएगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं दूसरा क्या होता है कि इन मेकिंग ऑफ द गैस मास्क गैस मास्क बनाने में यूज होता है चूंकि जो ये जो गैसे होती हैं ये क्या होता है शो हो करते हैं और जो चारकोल होता है चारकोल एक अच्छा माना जाता है तो अगर गैस मास्क में कहीं कहीं जो कंपनीज होती हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे इस तरीके के गैस मास्क का भी यूज किया जाता है वहां पे चारकोल का एक छोटा सा टुकड़ा रहता है आपके मास्क में और वो क्या कर लेता है वहीं पे एयर एंट्री करती है ज्यादा ज्यादा अमाउंट इसी वजह से जो गैस होती है पॉइजनस वो क्या होते हैं वहीं पे चारकोल एडजॉर्ब कर लेता है अगला क्या होता है केटालिसिस में केटालिसिस पढ़ेंगे यानी कि केटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकता है बढ़ा सकता है इसमें होता क्या है जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्टेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है यानी कि ये भी एडजॉर्ब की प्रोसेस होती है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसे फ्रेंड्स इसमें सारी गैसों की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है तो अगर हम चारकोल चार देते हैं तो इनर्ट गैसों का जो एड्जॉर्न रेट होता है काफी कम होता है तो बाकी गैसें एड्ब हो जाएंगी और ये उसी उसी आ, आपके कंटेनर में गैस पड़ी रह जाएंगी इससे सेपरेट कर सकते हैं ऑफ हार्ड वाटर हार्ड वाटर सॉफ्टवेयर के बारे में फ्रेंड्स आपको पता होगा हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं रहते हैं सो अगर हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम आ, कुछ एड्जॉर्बेंट लेके आ सकते हैं जैसे जियोलाइट लेके आते हैं यहां जियोलाइट आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे चल के जियोलाइट क्या कर लेता है अपने सरफेस पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को क्या कर लेता है एडजॉर्ब कर लेता है अगर सरफेस पे कैल्शियम मैग्नीशियम में हो जाएंगे तो अभी इससे बात है कि कैल्शियम मैग्नीशियम आयन अगर निकल गए वहां से तो हार्ड वाटर नहीं रहा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट वाटर इनकी और सब डिजीजे फ्रेंड जो मेडिसिन हम लेते हैं उसमें जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होते हैं एंटीजन जो होता है उसके सरफेस पे जाके क्या होते हैं अटैक कर लेते हैं यानी कि ये भी एडजॉर्पन की प्रोसेस होती है इन क्लिनसिंग एजेंट जो हम सफाई करते हैं सोप और डिटर्जेंट ये भी एडजॉर्पन के थ्रू होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे मिस फॉर्मेशन में इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस